जी, ये हमारा प्रिविलेज है कि हमारे इंडिया में उड़ीसा में हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है, तो जो लोग हॉकी को नहीं भी देखते थे तो उड़ीसा से वो लोग भी आए हैं देखने। एंड पहले जब भी हम बाहर जाते थे उड़ीसा से बाहर, तो लोग पूछते थे आप कहाँ से, जब हम उड़ीसा में पहुँचते थे तो लोगों का रिएक्शन होता है ये कहाँ है, पर आज लोग जानेंगे उड़ीसा का। हबीबी कम टू उड़ीसा। ये सब रात में चलते क्रेजी भाई साहब क्रेजी। आज हॉकी का फाइनल मैच है और हम लोग चल रहे हैं अभी कलिंग स्टेडियम, और मेरे साथ आशीर्वाद भी है। वहाँ पे विक्की वेट कर रहा है, उससे हम लेने जा रहे हैं टिकट अपना। ओ भाई की एंगेजमेंट हो चुकी है, अब भाभी तो भाई को कहीं अलाउ नहीं करेंगे तो हमें खेले जाएंगे। ओ भाई टिकी के लिए आज हम चल रहे हैं आपके साथ हॉकी देखने। आशीर्वाद आज किसका किसका मैच है? मुझे कुछ लिखा नहीं है लेकिन मुझे नहीं पता। हॉकी के लिए वाइब देखो भाई, क्रेज है हॉकी का भाई। तो ये भाई ओलीज लैंड है, हॉकी के लिए इतना क्रेज होगा कभी सोचा नहीं था, है ना। क्रिकेट के लिए हमने देखा था बट हॉकी का अलग क्रेज है भाई। क्या प्यारा माहौल बनाया हुआ है यहाँ पे। अब तक सिर्फ रील्स और वीडियोस में देखा था कि कलिंग स्टेडियम अपना जो है बहुत ही प्यारा बना है। वैसे जिसको नहीं पता बता देता हूँ, कलिंग स्टेडियम जो है हमारे भुवनेश्वर उड़ीसा में है, यहाँ पे हमारा हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है। तो आज हम आए हैं हॉकी वर्ल्ड कप देखने कलिंग स्टेडियम, एंड इतना खूबसूरत बना है स्टेडियम, मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ कि हमारा भुवनेश्वर है। ये मैं नहीं, यहाँ के वाइब्स कह रहे हैं, आप खुद ही देख लो। हॉकी वर्ल्ड कप और यहाँ पे हमारा अशोका चक्र। 4:20 बज रहे हैं, 4:30 बजे की मैच है, तो अंदर चलते हैं, अंदर की वाइब्स दिखाते हैं। इफ यू थिंक हॉकी इज नॉट ए ब्यूटीफुल गेम, तो हबीबी कम टू उड़ीसा। ये सब रात में चलते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब तक सिर्फ वीडियोस में देखा था, अब आंखों से देखेंगे एंड आपको भी दिखाएंगे। फाइनल मैच है हॉकी का और टिकट एकदम इंस्टेंट मिला है, मतलब अभी बज रहे हैं 4:30 और 3 बजे मुझे विक्की कॉल करके बोलता है कि भाई तेरे लिए टिकट जुगाड़ कर दिया। मैंने कल उसको बोला था, वैसे मैंने होप तो नहीं रखा था क्योंकि इतना इंस्टेंट फाइनल मैच है, मिलना पॉसिबल नहीं था। जब ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी मेहरबान। तो आज चल रहे हैं हम फाइनल देखने। ये आप लोग का गाइस प्यार है, आप लोग इतना चैनल को प्यार देते हो तो आपको तो दिखाने के लिए। तो आपका भाई हॉकी स्टेडियम के अंदर आ चुका है। बहुत सारे सब्सक्राइबर लोग का ये मैसेज था कि भाई हॉकी वर्ल्ड कप एक व्लॉग बना, व्लॉग फॉर यू गाइस। तो ऐसा कुछ स्टेडियम दिखता है, ये स्टेडियम अभी नया बना है। यहाँ से एंट्री हो रही है और उधर मैच हो रहा है, तो यहाँ से हम अंदर घुसने वाले। तो सीन कुछ ऐसे हैं, हम लोग आके बैठ गए। तो ये मेरा हॉकी का फर्स्ट मैच है ये नए वाले स्टेडियम में देखने का, एंड बहुत ही प्यारा स्टेडियम बना है यार, सही आप खुद ही देखिए। ओ बच गया। कुछ टाइम पे ये पूरा स्टेडियम फुल हो जाने वाला है। नाइट व्यू कुछ इस तरह है, आप देख सकते हो। यहाँ पे एक आउटलेट है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। वैसे अंदर डोमिनोज है, नेस्कैफे है और
कुछ खाने को सही समझ में नहीं आया, वही हमारा बढ़िया फूड मिल रहा है, डोमिनोज खा लेते हैं यार, ठीक है वो थोड़ा रिलायबल है। तो भाई हम लोग ने तो पॉपकॉर्न और वाओ मोमो खा लिया था, तो पेट थोड़ा भरा है। डोमिनोज की बातें तो आगे होती रहेगी, पर आप ये नज़ारे देखो, मैंने आज तक भुवनेश्वर को इतना प्यारा कभी नहीं देखा भाई साहब, पास में जाके दिखा था। क्रेजी भाई साहब, क्रेजी, एकदम दुबई वाली फील है भाई साहब। लाइट्स देख रहे हो कितना प्यारा दिख रहा है भुवनेश्वर फॉर हॉकी वर्ल्ड कप। तो 7 बजे एक और मैच है, तो आर यू गाइस एक्साइटेड? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, यहाँ से डोमिनोज के महक आ रही है, अब रोका नहीं जा रहा, अब मिलेंगे आपसे डोमिनोज। तो यहाँ पे डोमिनोज है, उधर और सारे स्टॉल्स है, अभी हम लोग जा रहे हैं डोमिनोज से खाने। यहाँ पे एकदम फ्रेश फ्रेश मिलने वाला है। क्या प्राइस है? 190 खुलिया सिमसिम। तो ऐसा कुछ डोमिनोज है अपना भाई साहब। डोमिनोज में अब भीड़ देखो, अभी कितने भीड़ कम थी, अब देखो इतना भीड़ हो गया। तो खाना तो हो चुका है, अब हम लोग अंदर चल रहे हैं। पहले जब हम लोग गए थे तो डोमिनोज में कोई नहीं था, उसके बाद तो भाई भीड़ कचा कच भर गई। भाई मैं आज अपनी ज़िंदगी में सबसे जल्दी रेडी हुआ हूँ और सबसे इंस्टेंट प्लान था ये। मतलब विक्की मेरे को कॉल करता है 3 बजे और बोलता है कि भाई तेरे टिकट है हॉकी जाने के लिए, तू जाएगा? मैं बोला 4 बजे का मैच था, तो फिर तुरंत मैं रेडी होके आया। वैसे टिकट्स मुझे पहले भी मिले थे VIP टिकट्स, पर प्रॉब्लम ये था कि बहुत सारी पार्टीज चल रही थी, बहुत सारे फंक्शंस थे, कल विक्की का भी जो है एंगेजमेंट था, उसलिए नहीं आ पा रहा था। बट YouTube फैमिली की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हॉकी पे एक ब्लॉग बनाओ, तो आप देख रहे हैं आज हॉकी फ्रॉम भुवनेश्वर ओडिशा। वैसे आज 2 मैच है, अभी चल रहा है किसका, ऑस्ट्रेलिया और नेदरलैंड का, इसके बाद फाइनल है। ये बेल्जियम इसलिए चिल्ला रहा है क्योंकि सामने जो बैठे हैं उनकी टीम जर्मनी है। भाई गोल हो गया है, बेल्जियम ने गोल मार दिया है, अब देखते हैं जर्मनी की बारी। भाई मैच फंसते जा रहा है, बेल्जियम ने एक मार दिया, अब जर्मनी ने भी।
भाई मैच फंसता ही जा रहा है 3-2। लास्ट अब जो रोक देगा वो जीत जाएगा। जर्मनी ने गोल मार दिया, नेक्स्ट बेल्जियम की बारी। हमेशा फाइनल में ही मैच ऐसा फंसता है और बहुत मजा आता है। सो फाइनली जर्मनी इज द वर्ल्ड चैंपियन। स्टेडियम देखो भाई साहब, वाइब है वाइब। खुशी देख रहे हो? तो भाई मैच खत्म हो चुका है, अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं। जर्मनी इज द न्यू वर्ल्ड चैंपियन ऑफ हॉकी वर्ल्ड कप 2023। एंड भुवनेश्वर के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी लाइटिंग हुई है। हो चुका है, जर्मनी इज द न्यू वर्ल्ड चैंपियन ऑफ हॉकी एंड हम घर वापस जा रहे हैं। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस ब्लॉग। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए हैव फन, टेक केयर, पीस आउट।